नमस्कार दोस्तों जैसे मई और जून का महीना स्टार्ट होता है गर्मी अपने पीक पे होती है हमारा डॉग खाना खाने को कम कर देता है या छोड़ देता है और कमज़ोर होने लगता है हर पेट ऑनर्स की कंप्लेंट होती है कि उसका डॉग खाना कम खा रहा है और कमज़ोर हो रहा है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आपका डॉग खाना अच्छे से खाए और स्वस्थ रहे अगर मेरे बताए हुए टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपका डॉग खाना अच्छे से खाएगा और कमज़ोर भी नहीं होगा दोस्तों आपको दो पॉइंट्स पर काम करना है पहला ये कि आपको अपने डॉग को खाना कैसे खिलाना है और दूसरा कि आपके अपने डॉग को खाना क्या क्या खिलाना है पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि आपको अपने डॉग को खाना कैसे खिलाना है इसमें आपको थ्री पॉइंट्स याद रखने हैं पहला जब भी आप अपने डॉग को पहली डाइट दें तो आपको सुबह छः बजे तक पहली डाइट दे देनी है क्योंकि इस समय का टेम्परेचर पूरे दिन के टेम्परेचर से सबसे कम होता है दूसरा जब भी आप अपने डॉग को खाना दे रहे हैं तो आप जहाँ पे आपका डॉग खाना खा रहा है उस जगह का टम्परेचर आप उसके आसपास के टम्परेचर से कम होना चाहिए तीसरा जब भी आप अपने डॉग को खाना खिलाएं तो हल्का वो खाना ठंडा होना चाहिए अगर आप इन तीन पॉइंट्स को फॉलोअप करेंगे तो आपका डॉग हंड्रेड खाना खा लेगा अब बात करते हैं कि आपको अपने डॉग को खाने में क्या खिलाना है तो दोस्तों कोशिश ये करना चाहिए कि हमें अपने डॉग को ऐसी डाइट देनी चाहिए जिससे उसमें पानी की पूर्ति भी हो जाए प्रोटीन की डाइट भी प्रॉपर मिल जाए कार्बोहाइड्रेट भी प्रॉपर मिल जाए और फैट भी प्रॉपर मिल जाए क्योंकि दोस्तों हमारे डॉग के खाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रोटीन की होती है अगर आप अपने डॉग को मल्टीग्रेन रोटी देना चाहते हैं तो उसमें आपको एक किलो सोयाबीन लेना है एक किलो चना लेना है और तीन किलो गेहूँ लेना है इन तीनों को मिक्स करके आटे को बना लीजिए और इससे आप अपने डॉग को चपाती खिला सकते हैं अब बात करते हैं कि अगर आपका पप्पी छः महीने से ऊपर का है और एक साल से कम है तो आपको अपने पप्पी को क्या खिलाना है दोस्तों जब आप सुबह की छः बजे की डाइट देंगे उसमें आपको अपने पप्पी को सुबह की डाइट में दूध दही या छाछ के साथ में डॉग फूड या मल्टीग्रेन रोटी को मिलाकर देना है दूसरी डाइट आपको अपने पप्पी को ग्यारह बजे देनी है उसमें दूध दही या छाछ के साथ में चावल को मिक्स करना है और उसमें आप बॉयल्ड राइस को मैस कर दीजिए जिससे आपका डॉग अच्छे से टेस्ट लेके अच्छे से खाना खा ले लगभग चार बजे के करीब आपको अपने पप्पी को कुछ स्लाइस देनी है जैसे मस्क मेलन हुआ वाटर मेलन हुआ एप्पल हुआ बनाना हुआ पपाया हुआ इनकी एक या दो स्लाइस आप अपने पप्पी को दे सकते हैं उसके बाद में लास्ट डाइट आपको देनी है अपने पप्पी को छः से आठ बजे के बीच में जब टम्परेचर आपको लगे कि थोड़ा सबसाइड हो गया है उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने डॉग को डॉग फूड या मल्टीग्रेन रोटी के साथ में या तो आप चिकन सूप के साथ में मैश करके दे सकते हैं या फिर आप बेज प्यूरी के साथ में मैश करके दे सकते हैं और सुबह शाम आपको मल्टीविटाम्स और कैल्शियम अपने पप्पी को देना है जैसे आपके वेटनी डॉक्टर ने आपको रिकमेंड कर रखा है लेकिन दोस्तों गर्मियों के दिनों में आपको अपने पप्पी के ट्वेंटी आवर्स पानी को अवेलेबल कराना है अब बात करते हैं कि अगर आपका पप्पी एक साल से ऊपर का है तो आपको सुबह छः बजे की डाइट में दूध दही या छाछ के साथ में डॉग फूड या मल्टीग्रेन रोटी को मिक्स करके देना है लगभग बारह से एक बजे के करीब आपको अपने डॉग को स्लाइस देनी है उन स्लाइस को आप फ्रीज कर सकते हैं फ्रीजर में आप उसको डाल दीजिए उसके ऊपर आइस क्यूब जम जाएगा बर्फ़ जम जाएगा उसको आप दीजिए उससे आपका डॉग ईजिली खा लेगा दोस्तों फ्रीज का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बड़े डॉग्स होते हैं उनमें हीट और ज़्यादा जनरेट होती है जिससे उन जब आप उसको आइस क्यूब देंगे तो उसको लिक करके अपनी हीट को कम कर लेगा उसका टम्परेचर सबसेड हो जाएगा और वो अच्छे से उस स्लाइस को पकड़ेगा स्लाइस में आप मैंगो एप्पल बनाना वाटरमेलन मस्क मेलन ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं बात करते हैं शाम के खाने की आप अपने डॉग को चिकन सूप के साथ में डॉग फूड मिक्स करके दे सकते हैं या फिर वेज प्यूरी के साथ में डॉग फूड या मल्टीग्रैन रोटी को मिक्स करके दे सकते हैं दोस्तों बड़े कुछ बड़े डॉग्स ऐसे होते हैं जो पानी को कम पीते हैं उनके लिए आप आइस क्यूब बना के रखिएगा उनके सामने आइस क्यूब रख दीजिएगा वो धीरे धीरे उसको लिक करते रहें जिससे उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगा और वो स्वस्थ रहेंगे कुछ डॉग्स शाम को खाने को खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए आपको बीफ या चिकन को आप फ्रीज करने के लिए रख दीजिए जब उसके ऊपर आइस जम जाए तो फिर आप उनको रख दीजिए उसको बड़े चाव से खाएंगे, उससे उनको पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी साथ में प्रोटीन की डिफिशेंसी भी पूरी हो जाएगी और आपका डॉग स्वस्थ रहेगा मल्टीविटामस कैल्शियम आप अपने वेटनी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग दीजिएगा दोस्तों ब्रीफ में कहूँ तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है अगर आप अपने डॉग को कम टेम्परेचर पर हल्का ठंडा खाना खिलाएंगे हंड्रेड परसेंट आपका डॉग खाना खा लेगा और दूसरा पॉइंट अगर आपका डॉग दो साल से ऊपर का है तो आप उसको बीफ मटन चिकन को अगर आप फ्रिज करके देंगे तो आपका डॉग हंड्रेड परसेंट खाना खा लेगा और दोस्तों कोशिश ये करनी है कि जब भी आप अपने डॉग को मटन दें तो मटन को चिकन या बीफ की अपेक्षा कम दें आज की जानकारी के लिए दोस्तों बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद